जनरल आज मैं आप लोग को ऐसा फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा जिसपे बार लगा होता है। इसको सॉल्व करने में देखिए मात्र 2-3 सेकंड लेंगे, ज़्यादा नहीं, तो समय ना गवाते हुए देखिए सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन। ये देखिए इसमें क्या करना है आपको कि नंबर जो दिख रहा है आपको, ठीक है, जो नंबर दिख रहे हैं आपको वो क्या करना है, ऐसे लिख देना है, ठीक। और जितने पे बार दिख रहा है, ये जितने पे ये बार लगा हुआ है ये वाला, वो नंबर गिनेंगे 1-2, तो 2 बार यहाँ पे 9 लिख देंगे ऐसे, ठीक। और इसमें देखिए क्या करेंगे, इसमें नंबर पहले ऐसे ही लिख लेंगे, और इसमें देखिए नंबर कितनी बार है वो गिनेंगे 1-2। तो देखिएगा इसमें क्या करना है आपको कि जो नंबर लिखे हैं उतने वो नंबर आप लिख दीजिए। अब बार गिनिए कितने नंबर पर लगा हुआ है, 1-2-3-4, तो क्या करिए उतनी बार आप 9 लगा दीजिए। ये आपका सॉल्व हो गया 2 क्वेश्चन। तीसरे वाले में देखिए थोड़ा अलग है, फ्रैक्शन के पहले वाला जो नंबर है उसको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक, और जिसपे बार लगा उसको लिख लेंगे, और जितने पे बार लगा जितने नंबर पे उतने बार नीचे 9 होगा। तो ये आपका आंसर, 3 आंसर आ गए, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल बता दें हम, देखिए यहाँ पे साइड में मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है और ये लिखा है यहाँ पे 2, अब बार लगा इस पर, तो क्या करेंगे 43 और ये 2/9 लिख देंगे। ये आपका आंसर आ गया। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब एक में, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 2 और 5, 6 ऐसे लिख देंगे, जितने भी बार लगा उतनी बार 9 लिखेंगे। इसको भी देखिए क्या करेंगे, 3 और यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे ऐसे, और 2 बार 9 यहाँ भी होगा, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, जितने भी ये लगे होंगे ये वाले नंबर, इसको हम लोग अलग कर लेंगे प्लस करके, सॉरी ये वाला ऐसे रहेगा, ठीक। इसको ऐसे लिखेंगे 2+3+1, और ये जो ऊपर का नंबर है सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो कितना होगा, ये 172 होगा और ये 99 होगा, ठीक। तो टोटल सॉल्व करेंगे तो आएगा 6, ये आएगा 172/9, और इसको सॉल्व करेंगे आप तो एक बार में ये क्या होगा, सॉल्व होगा। तो देखिए तो 99 लिखेंगे, बचेगा 73, ठीक। तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में, 173/99, और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको भी ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए लिख दे रहे हैं दोस्तों 773/99, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 7.73 पे बार। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, लिख लीजिए।